दोस्तों वेलकम माय यूट्यूब चैनल अगेन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैंने जो अभी इससे पहले वीडियो बनाई थी कि डीसी कन्वर्टर बॉक्स से मैं आपको झालर जला के दिखा रहा था, तो आप लोग का उसमें कमेंट से कि पावर इन्वर्टर से चला सकते हैं कि नहीं। तो देखिए मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, फिर बता देता हूँ, कोई बात नहीं, समझते हैं। दोस्तों जो पावर इन्वर्टर है उससे सभी प्रकार के लोड चलाए जा सकते हैं, रजिस्टिव भी, इंडक्टिव भी, कैपेसिटिव भी। तो जो हमारी झालर है ये किस लोड में आएंगे, ये रेजिस्टिव लोड में आएंगी, ठीक है। तो इसको भी हमारा पावर इन्वर्टर बहुत ही आराम से चला देगा। और क्योंकि ये जो हमारा पावर इन्वर्टर है ये 200 वाट तक रेटेड लोड चला सकता है, तो हम ऐसे कितनी, हम इस पर 8 झालर, ठीक है, 8 7-7 मीटर की 8 झालर आराम से जला सकते हैं, पूरी रात जला सकते हैं अगर हमारे पास जो है बैटरी बड़ी है, ठीक है, बड़ी बैटरी इन द सेंस 80 Ah से ऊपर की बैटरी है, तो आराम से उसको पूरी रात हम चला सकते हैं, ठीक। यहाँ पर मैं कार बैटरी से चला के आपको दिखाता हूँ, सबको क्लियर हो जाए कि पावर इन्वर्टर से ये जल सकती हैं। यहाँ पर कार की बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट करें किसके, पावर इन्वर्टर के। अब मैं करता हूँ पावर इन्वर्टर को ऑन, यहाँ से आप लोग को दिखाता हूँ, 3-2-1 ये देखिए, ठीक है, बहुत आराम से और बहुत अच्छे से फुल ब्राइट जल रही है। एक चीज मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ कि कैमरे में हो सकता है आप लोग को ये सही ना दिख रहा हो कि फुल ब्राइट नहीं है, लेकिन ये फुल ब्राइट है, ठीक है, ये फुल ब्राइट जल रही है। कैमरा एक्सपोजर की वजह से आप लोग को लग रहा होगा कि ये लो है या कम ब्राइट है, ठीक है, मगर ये फुल ब्राइट है, ये देख सकते हैं आप। और ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ मैं अगर क्लिक करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि फुल ब्राइट है, देख सकते हैं आप, है ना, और यहाँ करूंगा तो आपको लगेगा कम ब्राइट है। तो ये कुल मिला के मैं आपको बता रहा हूँ फुल ब्राइट चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको ऑफ करके थोड़ी सी बात और बताता हूँ। तो इस तरीके से पावर इन्वर्टर से हम बहुत आराम से अपनी जो है इस तरीके से झालर जला सकते हैं, 7 मीटर वाली 8 झालर आराम से, कोई प्रॉब्लम किसी की नहीं आ सकती, क्योंकि हमारा जो पावर इन्वर्टर है वो बना ही इसी चीज के लिए है। कुछ लोग डाउट कर रहे थे कि पावर इन्वर्टर इतना सक्सेस चीज नहीं है, तो दोस्तों अगर आप लोग के पास सोलर एनर्जी सिस्टम लगा है, सोलर पैनल लगे हैं, तो पावर इन्वर्टर बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, और इसकी हेल्प से आप सभी प्रकार के लोड चला सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम। मैं भी इनफैक्ट जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं खुद इस पावर इन्वर्टर को एक साल होने वाला है, और एक साल से कंटिन्यूस यूज कर रहा हूँ, प्रॉपर वर्क कर रहा हूँ, डेली अच्छे से काम कर रहा है ये, ठीक है, वर्किंग वेल, कोई दिक्कत नहीं आ रही, फिर आप लोग इसको जो है अच्छा समझ सकते हैं, ठीक है। पावर इन्वर्टर में दोस्तों आप लोग को एक चीज का ध्यान रखना है, जो कि मैंने इस पर अभी तक ट्राई नहीं करा, इसकी आउटपुट को आप लोग को कभी भी शॉर्ट नहीं होने देना, ऐसी कोई चीज पर कनेक्ट नहीं करनी जिससे कि इसकी आउटपुट शॉर्ट हो, क्योंकि मैं भी किसी भी तरीके से आपसे नहीं बता सकता कि इसकी आउटपुट में शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है कि नहीं, क्योंकि अगर मैंने इसकी आउटपुट को शॉर्ट करके चेक करा तो मेरा ये जो है इन्वर्टर, अगर इसमें प्रोटेक्शन नहीं हुई आउटपुट की तो खराब हो जाएगा, ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि किसी भी ठीक या सही से चलने वाले इक्विपमेंट को या अप्लायंस को मैं खराब कर दूं केवल एक टेस्टिंग के लिए, इसलिए मैं बस चेक नहीं कर रहा हूं उसको। बाकी अगर मुझे बहुत ज्यादा जरूरत लगी चेक करने की कि इसमें आउटपुट में शॉर्ट सर्किट प्रोडक्शन है नहीं, तो मैं उसको एक दूसरा पीस मंगा के चेक करूंगा जरूर से, ठीक है। फिलहाल इसमें वीडियो मैंने आपको यही बताया कि पावर इन्वर्टर से भी आराम से झालर जला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। बड़ी बैटरी यूज करेंगे तो ज्यादा देर तक जला पाएंगे, 7-8 घंटे से ज्यादा जो है हम 7 मीटर की 8 झालर को रात भर जला पाएंगे, अगर बड़ी 100-150 Ah की बैटरी यूज करेंगे। छोटी बैटरी यूज करेंगे तो फिर इतनी झालर एक साथ जो है जलाएंगे तो ज्यादा देर नहीं चलेगी, ठीक है ना। तो बेसिकली मैंने आप लोग को जो बताया आपको समझ में आया, उम्मीद करते हैं, और चैनल से बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, थैंक यू।